अब्दुल ब्रा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोडी भाई, गुड मॉर्निंग भाई। सोडी परिवार की ओर से आपको दिवाली की लख लख बधाइयां। सोडी भाई, आज दीपावली कहाँ है? वो चलिया, एडवांस नाम की चीज भी कुछ होती है कि नहीं? हाँ सोडी भाई, आपको भी एडवांस में हैप्पी दीपावली। थैंक यू जी। सोडी भाई, आप सभी से मेरे कहाँ जा रहे हो? रोशन भाभी को लेने के लिए? ओए चलिया, मैं अपनी रोशन डार्लिंग को लेने इन कपड़ों में जाऊंगा। और वैसे भी वो इस बार की दिवाली अपने माँ प्यो के नाल ही मनाने वाली है, वो दिवाली के बाद ही आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। ओए अब्दुल, आएगी नोटिस बोर्ड खाली? आज तेरे पीड़ू मास्टर नु सुविचार लिखने का टाइम नहीं मिला? पीड़ भाई बाहर गए हुए, आते ही लिख देंगे। ओए अब्दुल, चल चल के पीड़ू के साथ मजाक करते। ओए चल ना। सॉरी भाई। अरे अरे, पीड़ भाई तो वहां पर है। अरे लेकिन मजाक तो यहाँ पर है। चल चेती कर, और ये नोटिस बोर्ड निकालने मेरी मदद कर। नहीं 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 भाई, भाई, भाई मेरे भीड़े भाई के साथ रोज का काम होता है भाई, मैं उनके साथ मजाक नहीं कर सकता। ओए अब्दुल, जिनके साथ हमारे रोज का कामकाज होता है ना, वही अपने होते, और अपनों के साथ ही मस्ती चलती है। ओए चलना, तू ज्यादा डिस्कशन ना कर। गुड मॉर्निंग सोडी, गुड मॉर्निंग अब्दुल। ओए गुड मॉर्निंग, तो छठ है देख, और नोटिस बोर्ड चोरी हो गया है। हाँ हाँ देख, अरे नोटिस बोर्ड चोरी कैसे हो गया? माला काम आई। अरे और सुबह जब 7 बजे मैं यहाँ से गया था तो नोटिस बोर्ड यहीं पे था। दिन दहाड़े नोटिस बोर्ड कौन चोरी करके लेके गया? क्या नोटिस बोर्ड चोरी हो गया? हाँ देखो लाती मैं। मास्टर, नोटिस बोर्ड कौन और क्यों चुराएगा? ओ हाथी भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि पीड़ू का सुविचार पढ़ के किसी को स्वाद ना आया हो, उसने बोर्ड चोरी कर लिया हो। अरे सुविचार लिखता हूँ मैं नोटिस बोर्ड पे, खाने का मेनू थोड़ी लिखता हूँ जो स्वाद ना आए। अरे ऐसे कैसे कोई नोटिस बोर्ड चोरी करके लेके गया? अब्दुल, तुमने किसी को देखा नोटिस बोर्ड बाहर ले जाते हुए? देखा? नहीं 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 देखा। और नहीं देखी? अगर देखा होता तो रोक लिया था। सही बात है। और भीड़ मास्टर, नोटिस बोर्ड कोई चुराने की चीज है? आई एम श्योर कि टप्पू सुनाने कोई मस्ती की है और नोटिस बोर्ड यही आसपास कहीं छुपा दिया है। करेक्ट है आती भाई, ये जरूर टप्पू सेना की मस्ती है। उन्होंने ही छुपाया होगा नोटिस बोर्ड मुझे परेशान करने के लिए। अभी ढूंढना पड़ेगा मुझे। ओए ओए पीड़ू, हमने यहाँ वहाँ सब जगह देख लिया पर हमें तो नोटिस बोर्ड कहीं नहीं दिखा, क्यों अब्दुल? हाँ हाँ। और रही बात टप्पू सेना की, तो टप्पू सेना में से मैंने किसी को भी कंपाउंड में नहीं देखा। हो ना हो, बोर्ड जरूर चोरी हुआ है। ओ पीड़ू, आजकल में तेरा किसी से झगड़ा हुआ है? मैं क्यों? क्या है ना, तू अपने उसूलों और सिद्धांतों को लेके लोगों से खामखा लड़ता झगड़ता रहता है ना, तो हो सकता है किसी ने तुझे सबक सिखाने के लिए बोर्ड चोरी कर लिया हो। अरे नोटिस बोर्ड नहीं था ये मेरे लिए, ये मेरे लिए मेरा सखानंद था। है? है? अरे मास्टर, ये सखानंद कौन है? हाथी भाई, जैसे मैं सखाराम को अपना छोटा भाई मानता हूँ ना, वैसे ही नोटिस बोर्ड को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, जो अपने सुविचारों द्वारा सबको मार्गदर्शन करता है, सबको प्रेरित करता है, इसलिए मैंने इसका नाम सखानंद रखा। ओए पीड़ू, तो फिर तूने इस कुर्ते का नाम क्या रखा है? थोड़ी, मैं कुर्ते का नाम नहीं रखता हूँ, ये तो सखाराम और सखानंद मेरे जीवन के हिस्से है, इसलिए मैंने नाम रखा है। दिवाली शुरू होने से पहले ही मेरे सर पे टेंशन का बम फट गया। पुलिस पे कंप्लेंट करता हूँ ना, वही ढूंढ निकालेगी। अरे पीड़ी भाई, पुलिस को फोन कर रहे हैं। रुक जा। ओए पीड़ू, वो इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? सही बात है भीड़े मास्टर,
ऐसे दिवाली जैसे शुभ अवसर पर पुलिस का नाम ना लो। कहीं सच में पुलिस आ गई तो खुशी की फुलझड़ियों की जगह टेंशन के बम फूटेंगे। हाथी भाई, टेंशन का बम पहले ही फूट चुका है। मेरा सकरन चोरी हो गया है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। नहीं, अब तो गोकुला में पुलिस भी आएगी और स्नीफर डॉग भी आएगा। अरे बाप रे, वो ढूंढ निकालेगा चोर को। मैं चोर को छोड़ूंगा नहीं। ओए ठंडरक पिडू, ओ कोई नोटिस बोर्ड चोरी नहीं हुआ है। क्या मतलब? ओए अब्दुल चल। अरे बाप रे, अरे क्या कर रहे हो ये? हाँ हाँ हाँ, संभाल के संभाल के। धीरे धीरे। अब ठीक है, खुश? अरे ऐसा मजा कौन करता है? रोशन सिंह सोढ़ी करता है। सोढ़ी, तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई थी? धड़कन तेज हो गई यहाँ पे। ओए पिड़ू, तो दिमाग में इंजन गरम ना कर। तेने तो पता है ना मुझे तेरे साथ मजाक करने में कितना मजा आता है। और वैसे भी वो मजाक तो हम गोकुलधाम वासियों के ब्लड में है, वो इसे कैसे निकालूं? सही बात है। सोढ़ी, तुम कभी सीरियस होंगे ही नहीं ना। और अब्दुल, तुम भी इसके साथ शामिल हो गए? भिड़े भाई, मैं आपके साथ कैसे मस्ती कर सकता हूँ? भिड़े भाई, छोड़े भाई ने कहा कि मजाक तो अपनों के साथ में होता है ना, तो आप तो मेरे अपने हैं। सही बात है भिड़े मास्टर, त्योहारों का समय है, अपना मूड ऑफ ना रखो। चलो हंसो। हंसो? मतलब कि कुछ अच्छा सुविचार लिखना भाई। इसको आज हर चीज में स्वाद ही चाहिए। एक अब्दुल, कैसे मोतियों जैसे अक्षर है ना इसके। मास्टर जी, वाह। आती भाई, हाँ बढ़िया। अभी सभी गोकुलधाम वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि शांति और अच्छी सेहत लाए। वाह वाह भिड़े मास्टर, तुमने जो ये सेहत वाली बात लिखी है ना, वो बहुत अच्छी है, टॉप क्लास। ये दिवाली हम सभी के लिए शुभ हो। आती भाई, सबकी दिवाली शुभ होगी सिवाय जेठालाल के। जेठालाल की दिवाली तब शुभ होगी जब दया भाभी आएगी। करेक्ट है जी। सही बात है, दया भाभी के आ जाने से गड़ा हाउस और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी दोनों में खुशियां और भी बढ़ जाएगी। खरा है। वैसे अब्दुल, अभी हाथी भाई और सोढ़ी भाई अपने अपने काम पे निकल जाएंगे, तो अगर मजाक मस्ती की बातें होगी तो हम भी अपने काम पे ध्यान दे। कौन सा काम पे? कौन से काम है मतलब? अब्दुल, दिवाली सर पर है भाई, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि सोसाइटी की साफ सफाई ठीक से हुई कि नहीं देखना है, सोसाइटी में सजावट करनी है, लाइटिंग करनी है। अरे भिड़े भाई, आप टेंशन मत लो, सोसाइटी की सफाई हो जाएगी, सजावट, रंगोली, तोरण सब हो जाएगा, बात हो गई है। वेरी गुड। चलो, मतलब हमारी तरफ से तैयारी हो गई है, अभी घर में महिला मंडल की तैयारी चल रही है। सही बात है। वैसे भिड़े मास्टर, आज भी भाभी ने कुछ नाश्ते में स्पेशल बनाया होगा ना? हाँ हाँ बनाया। आती भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपके पास पहुँच जाएगा नाश्ता। वाह मजा आएगा। दिवाली का स्पेशल ड्राई फ्रूट चिवड़ा लीजिए। थैंक यू। लीजिए। थैंक यू। और ये है बेसन के लड्डू जो खास बने हैं इस बार। कैसा बना है टेस्ट करके बताइए। हाँ नादी भाभी,
ये दिवाली स्पेशल ड्राई फ्रूट चूड़ा तो सुपर हिट है, बहुत टेस्टी है। नहीं नहीं टेस्टी नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं बना? मैंने बहुत सारा बनाया है क्योंकि मुझे छेड़ा स्टोर से बहुत सारा ऑर्डर मिला है अभी। अरे 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 मैं मजाक कर रही हूँ, ये सिर्फ टेस्टी नहीं सुपर टेस्टी। ओके खरच? हाँ बाबा खरच खरच। क्या बोलता जी, कितनी डर गई। अभी बेसन के लड्डू टेस्ट करके बताइए कैसे बने हैं। अरे वाह थैंक यू। रुक सी अम्मी, मालूम अभी ये फिर कभी। मैं ना नाश्ता करके आई हूँ। अरे डाइटिंग की जरूरत मेहता साहब को है, आपको नहीं। वो क्या? और वैसे भी ज्यादा डाइटिंग करने से दांत कमजोर हो जाते हैं। अच्छा दांत दिखाइए। अरे आ कीजिए थोड़ा और। बताइए कैसे बने? सुपर है माधवी भाभी। थैंक यू। वाह माधवी भाभी आप अचार पापड़ क्वीन नहीं है। मेरा मतलब है आप सिर्फ अचार पापड़ क्वीन नहीं है, आप चूड़ा क्वीन भी है, लड्डू क्वीन भी है और भिड़े भाई की क्वीन तो आप है ही। इसी खुशी में चूड़ा लाडू क्वीन की तरफ से आप तीनों को मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट, इसमें एक एक पैकेट चूड़ा लाडू है। भाभी ये हाथी भाई और गोली के लिए खास। क्या बात है। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू माधवी क्वीन। महारानी माधवी देवी आपको हमारी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। कि सिर्फ छेड़ा स्टोर से नहीं, आपको हर राज्य के स्टोर से बहुत बहुत सारे ऑर्डर्स मिले। जी बिल्कुल। और आपका बिजनेस रॉकेट की तरह ऊंचाइयां छूता रहे और बस छूता रहे। थैंक यू सो मच। इसी बात पे आपको मेरी तरफ से स्पेशल बुकवास भी मिलने वाला है। वाह तो मैं क्या कहती हूँ, क्वीन से भी अगर बड़ी उपलब्धि हो ना तो वो जल्दी से सोचिए ताकि हमें और गिफ्ट्स मिले। तो महारानी माधवी देवी हम आपकी कुछ सेवा कर सकते हैं? हाँ महारानी माधवी देवी आप बस फरमाइए। क्या? मुझे कुछ नहीं फरमाना है अभी, अगले साल में अभी कुछ नहीं बनाने वाली हूँ इसका। क्या बात है, हमारी दिवाली की तो जोरदार शुरुआत होगी। हाँ और हमारी दिवाली जोरदार और धमाकेदार तब होगी जब दया भाभी गोकुलधाम में आएगी। ओ करण दया भाभी गोकुलधाम में आएंगी तो और मजा आएगा। बाय द वे आप लोगों की दिवाली की साफ सफाई हो गई? मेरे घर की तो कब के हो गई। आप बताइए आपको अगर सफाई में मदद की जरूरत है तो मैं आ जाती हूँ आपकी तिजोरी साफ करने। नहीं नहीं इतनी महंगी साफ सफाई मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू। वैसे दया भाभी के आने से पहले क्यों ना हम उनके घर जाकर सफाई में मदद करें। अरे गुड आइडिया। नहीं नहीं आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप अकेले वहाँ जाकर तिजोरी साफ करना चाहते हैं? अरे कोमल भाभी तुमची गाड़ी तिजोरी वर सड़क ली है। आई विल कीप माय आईज ऑन यू। अच्छा मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि टप्पू सेना ऑलरेडी जेठा भाई के घर है और वो साफ सफाई कर रही है, इसलिए हमें जाने की जरूरत नहीं है ऐसा मालूम पड़ा। अच्छा है। तो फ्रेंड्स गड़ा हाउस सफाई मिशन शुरू करें। मैं किचन से शुरुआत करता हूँ, पूरा किचन साफ कर दूंगा। आ जाओ। अरे गोली किचन भी साफ करेंगे लेकिन हम सब साथ में मिलके। हाँ किचन ऐसे साफ नहीं करना है, ऐसे ऐसे साफ करना है समझा? ओ यारो मैं तो कहता हूँ पहले हॉल से शुरुआत करते हैं। हाँ बराबर। हाँ तो सारा फर्नीचर और कारपेट यहाँ से हटा देते हैं ताकि हम हॉल प्रॉपरली क्लीन कर पाए। हम सब एक ही काम करें उससे अच्छा है कि तुम लोग हॉल का सारा फर्नीचर हटा दो, तब तक टप्पू और मैं बालकनी क्लीन कर देते।
वरण्य में रहते वरण्य। अरे अरे कहाँ लेके जा रहा है, वहां जा वहां बाहर। अरे क्या कर रहा है गोली, बाहर बाहर जाने दे। हाँ जाने दे बाहर। जेठालाल टप्पू, सॉरी बीड़े अंकल, सॉरी। अरे ये क्या किया तुमने? सॉरी बाबा। सॉरी बीड़े अंकल। अरे सॉरी क्या सॉरी, एक तो जानबूझ के पानी डालते हो और ऊपर से सॉरी बोलते हो। अच्छी खानदानी परंपरा निभा रहे हो। पहले जेठालाल पानी डालता था, अब तुम डालने लगे हो पानी। नहीं बाबा, टप्पू ने जानबूझकर पानी नहीं डाला है। हाँ हम तो यहाँ बालकनी धोने आए थे। अरे तो धोने से पहले नीचे देख नहीं सकते थे कि कोई खड़ा है नहीं खड़ा है, इसीलिए तो सॉरी बोला भिड़े अंकल। अरे पूरा कुर्ता गीला कर दिया गंदा पानी डाल के। नहीं नहीं भिड़े अंकल, पानी तो साफ ही है। अरे ये होशियार, ये पानी डायरेक्ट नहीं डाला तुमने, पहले बालकनी में डाल उसके बाद मेरे पे आए ना। एक्सट्रीमली सॉरी भिड़े अंकल। हाँ सॉरी बोलते तो सारी गलती माफ। और सोनू बाड़ा, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, कोई भी नया काम करने से पहले सोचो समझो जानो उसके बाद करो। सिखाया कि नहीं सिखाया? वो बाबा, I'm really sorry. नहीं सोनू तू सॉरी मत बोल, गलती मेरी है। भिड़े अंकल आप एक काम कीजिए, आप अपनी बालकनी में जाइए और बकेट भरकर पानी डालिए, मैं नीचे खड़ा रहता हूँ, सारा पानी मुझ पे गिरने दीजिए। बड़ा क्या दूसरा काम है? अरे रिलैक्स रिलैक्स, आप गुस्सा मत कीजिए, त्योहार के दिन है, त्योहार में हमें खुश रहना चाहिए। ये तुम मानो ना को शिकुआ। बाबा सॉरी, आगे से हम ध्यान रखेंगे। अभी यहाँ से चल, हम बाद में आते हैं। सॉरी भिड़े अंकल सॉरी। भिड़े भाई आप दिवाली में होली कहाँ से खेल कर आ रहे हैं? वो क्या है ना कुंवर भाभी, जब तक हमारे सोसाइटी में टप्पू नाम का शरारती बच्चा है ना, कोई भी त्योहार कभी भी मन सकता है। ये टप्पू बालकनी धो रहा था तो वो सारा पानी मेरे पे गिर गया और मैं गीला हो गया। अच्छा तो क्या आप बालकनी के नीचे खड़े थे? नहीं नहीं, मैं तो सखराम पार्क कर रहा था। भिड़े भाई आज एक दिन के लिए सखराम को कहीं और पार्क कर देते ना आप। नहीं नहीं बबीता जी, मैं पहले आया था सखराम पार्क करने के लिए, उसे पानी डालने से पहले नीचे देखना चाहिए था ना कोई खड़ा है नहीं खड़ा है। अच्छा अच्छा शांत हो जाइए भिड़े भाई, शांत, टेक अ डीप ब्रेथ। भिड़े भाई गुस्सा मत कीजिए, त्योहार का टाइम है, खुश रहना चाहिए। जाने दीजिए ना भिड़े भाई। हाँ जाने दीजिए। हाँ जाने दीजिए। हाँ फिलहाल मुझे तो जाने दीजिए। अच्छा ओके। हाँ दोस्तों, दिवाली हो और गोकुल धाम में हंगामे के पटाखे ना फूटे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इस दिवाली पर पटाखे फूट रहे हैं भिड़े के साथ। सबसे पहले नोटिस बोर्ड गायब हो गया, उसके बाद भिड़े के कुर्ते में बारिश हो गई। आपको एक रास की बात बताऊं, भिड़े के साथ परेशानी की हैट्रिक होने वाली है। एक और रास की बात बताऊं, इस बार दिवाली पर गोकुल धाम में हंगामे ही हंगामे होने वाले, और ऐसे हंगामे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। और गोकुल धाम में जितने हंगामे होंगे, आपके घर पर हंसी उठाओगे उतने ही पटाखे फूटेंगे। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।